कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। तो आपकी चुलबुली दोस्त अश्विनी हाजिर है आप सबके लिए लेके ओनली गुड टू हियर। ओनली गुड टू हियर वो ऐसी तीन खबरें हैं जो आपके चेहरे पे लाती है स्माइल। पहली खबर है हमारे अपने यूनाइटेड किंगडम से। तो डॉर्सेट में रहने वाले क्रिस को उनके एक पेन पाल ने लिखा था एक लेटर। वो कब? 66 years back, यानी 1955 में उनके एक अमेरिकन पेन पाल ने उन्हें लिखी थी एक लेटर, एक पोस्ट कार्ड। और ये पोस्ट कार्ड कुछ महीनों पहले पाया गया एक चैरिटी शॉप में, जिसे फंड रेजिंग के लिए यूज किया जाना था। तो वहीं के एक वॉलेंटियर ने क्रिस को फेसबुक से ढूंढ निकाला और उनका ये पोस्ट कार्ड उन्हें दिया। सोचिए उनके चेहरे पे कितनी स्माइल आई होगी अपने इस पेन पाल का लेटर मिलने के बाद, वो भी 66 years के बाद। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। दूसरी खबर है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वेक्सनर मेडिकल सेंटर की। वहाँ के एक डॉक्टर ने कहा है कि उनके हॉस्पिटल में एक ऐसे एम्प्लॉय को लिया गया है जिसका काम है दूसरे एम्प्लॉयज को जाके हेलो इतना ही कहना है। और ये एम्प्लॉय कौन है? इनका नाम है शिलो और ये एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग है। तो ये जाते हैं हॉस्पिटल में और दूसरे सारे एम्प्लॉयज को वुफ वुफ यानी कहते हैं हेलो। तीसरी खबर ये किस देश की है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जिसने भी पोस्ट लिखा है उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने पैटियो में यूकेलेली प्ले कर रहा था। यूकेलेली क्या होता है? तो ये होता है गिटार का एक छोटा वर्जन जिसमें होती है 4 स्ट्रिंग्स। तो इन्होंने कहा कि इनके डोर पे इन्हें 2 स्टिकिंग्स मिली जहाँ पे लिखा था थैंक यू, आपने बहुत ही प्यारा म्यूजिक प्ले किया, आप बड़े अमेजिंग म्यूजिशियन हैं, और आपने जो सॉफ्ट म्यूजिक प्ले किया उस पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्लो डांस किया, बड़े अमेजिंग म्यूजिशियन है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर म्यूजिक। कितनी प्यारी चीज़ है ना। अब कई लोग अनजाने में अपने लिए ही म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगेन उनके आसपास के जो लोग हैं वो उससे खुश हुए। तो ऐसी खुशी भरी खबरें, ऐसी खबरें जो आपके चेहरे पे लाती है स्माइल, ओनली गुड टू हियर। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ओनली गुड टू हियर आपको कैसी लगती है। मिलती हूँ कुछ नया लेके जल्द ही, तब तक टेक केयर, बी सेफ।